अस्सलाम वालेकुम। हजे नुमरा टीवी में आप तमाम देखने वालों को, जो भी इस वीडियो को और इस चैनल को देखते हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आप तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पर इसलिए बनाई क्योंकि ये जो ईद है, ऐसी ईद आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। एक तो आलमी वबा का मसला, दूसरा ये नया जो प्लेन है पाकिस्तान का, PIA का, और उसके जो जानी नुकसानात हुए हैं उसके बारे में सोच सोच कर दिल बड़ा कांप उठता है। ईद इस दफ़ा की हम लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा सादगी से मनाई है। किसी किस्म की कोई शॉपिंग ना मैंने की है, ना मेरे बेटे ने, ना ही मेरे हस्बैंड ने। हम तीनों ने ईद की इस बार कोई शॉपिंग नहीं की, और मुझे दिल ही नहीं हो रहा था कि कोई शॉपिंग की जाए या किसी किस्म की कोई ख़रीदारी की जाए या ईद पर कोई बनाव सिंगार किया जाए किसी किस्म का भी। तो हमने बहुत ज़्यादा सादगी के साथ इस ईद को मनाया है, और आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना करके भेज रही हूँ ताकि आप लोग भी बताएं कि क्या आप लोगों ने भी ईद बहुत ही सादगी से मनाई है, क्या आप लोगों ने भी जो है वो ईद की शॉपिंग नहीं की है हमारी तरह। तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरी हालत है इस बार ईद पर, क्या आप लोगों की भी यही हालत है। हर दफ़ा हज एंड उमरा की ही बातें हम करते हैं। इस बार मैंने ये ईद के लिए स्पेशल वीडियो बनाई कि जो इतने परेशान हाल ख़ानदान हैं, जो इस प्लेन के हादसे के अंदर परेशान हैं, उन सब के गम में हम बराबर के शरीक हैं। और इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे इस तरह से हो रहा है कि लोग ईद मनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है वो ईद मनाना तो दूर, अपनों से मिलना भी इनके लिए नामुमकिन हो गया और वो अल्लाह ताला से जा मिले। बहुत ही ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है, और उन छोटे बच्चों पर जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गए, कुछ बड़े अपने बच्चों से बिछड़ गए, कुछ बच्चे अपने वालदैन से दूर हो गए, ये सारी चीज़ें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ईद तो क्या आई, बस दुख ही लाई। बहरहाल हम तमाम लोगों के लिए ईद मनाना सुन्नत है, लेकिन बहुत ज़्यादा सादगी के साथ मनानी चाहिए इस दफ़ा की ईद, क्योंकि एक तो ये आलमी वबा ने पूरी सबकी ईद ख़राब की, और अब इस बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो हादसा हुआ, इससे तमाम लोगों के दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और किस तरह से आप लोग ईद गुजार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मेरी तरफ से एक बार फिर आप तमाम लोगों को ये सादा सी रंजीदा सी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह निगहबान।